मैं इस पवित्र धरती को प्रणाम करता हूं। हमारे पूर्वजों को प्रणाम करता हूं और आप सबके माध्यम से मैं देशवासियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। ये आप ही का पुरुषार्थ है, ये आप ही की परंपरा है। मैं तो दुनिया में जाकर के सब आपके पराक्रमों के गीत गाता हूं। मैं दुनिया के देशों में जाकर के दुनिया के महापुरुषों को मिलकर के हिंदुस्तान के सामर्थ्य की बात करता हूं, हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी की टैलेंट की चर्चा करता हूं और अवसर मिलने पर भारत कैसे खिल उठता है, भारत के नौजवान कैसा पराक्रम करके दिखाते हैं, ये बात मैं दुनिया में जाकर के बताता हूं। ये बात मेरे खाते में इतनी जाती है कि ये बताते समय मैं संकोच नहीं करता हूं। मेरे देश की महान संस्कृति का गौरव गान करते समय मैं आंखें नीचे नहीं करता हूं, आंखें मिला करके दुनिया से बात करता हूं। और ये सामर्थ्य क्यों आया है? ये सामर्थ्य इसलिए है क्योंकि हमारे देश ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। आप सबने देश को पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है और जब पूर्ण बहुमत वाली सरकार का प्रतिनिधि विश्व के सामने जब कोई बात बताता है तो दुनिया ये विश्वास करती है कि ये अकेला नहीं बोल रहा है, 140 करोड़ लोग बोल रहे हैं। अभी नड्डा जी कह रहे थे कि मोदी जी को प्यार करने वाले लोग यहां आए हैं। जी नहीं, ये कोई मोदी जी को प्यार करने वाले लोग नहीं है, ये मां भारती को प्यार करने वाले लोग। ये हिंदुस्तान को प्यार करने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन होता है तो 140 करोड़ देशवासियों का जज्बा नई ऊंचाइयों को छूने लगता है। और मुझे बताया गया अगर आप सुबह 3 बजे से आए हैं भारत की दुनिया में सही पहचान बने, भारत का दुनिया में जय जयकार हो, कोई हिंदुस्तानी इतना खुशियों से भर जाता है को रात को 3 बजे यहां आकर के पहुंच जाता है। साथियों, ये यात्रा
समय तो ज्यादा नहीं था यात्रा का, क्योंकि ट्रैवलिंग में भी टाइम जाता है, लेकिन जितना समय मुझे उपलब्ध था उसका पल पल मैंने देश की बात करने में, देश की भलाई के लिए निर्णय करने में अपना समय पूरी तरह से उपयोग किया। मैंने चालीस से अधिक महत्वपूर्ण लोगों के साथ मिलने का अवसर मिला, और एक बात जो शायद हिंदुस्तान में जिसकी चर्चा बहुत कम है, और क्यों कम है वो तो समय बताएगा, जो भी नेता मिलते थे खास करके G7 समूह जो दुनिया के समृद्ध देशों का समूह है, वे भारत में G20 के जो प्लानिंग हुआ है और उनके देश के लोग उन मीटिंगों में यहां आए हैं, वापस जाकर के उन्होंने वहां रिपोर्टिंग किया है, भारत के नागरिकों ने G20 समूह की करीब 150 से ज्यादा मीटिंगें हो चुकी हैं, 100 से अधिक हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में मीटिंगें हुई हैं, और दुनिया के 40-45 देशों के प्रतिनिधि उसमें आए हैं, और उन्होंने जाकर के वहां जो बताया है, भारत के लोगों ने जिस प्रकार से उनका सम्मान किया, स्वागत किया, ये जो वहां बताया है उसका इतना प्रभाव उन लोगों के मन पे है कि भारत की इस ताकत की पहचान हमें G20 समूहों की मीटिंग में गए हुए हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से मिली है। हम बहुत अभिभूत हैं। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको गर्व नहीं होगा? दोस्त, कभी कभी भारत की महान परंपरा के प्रति, दोस्तों मैं सच कहता हूं, आप भी हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की महान परंपराओं के संबंध में बोलते समय कभी भी गुलामी वाली दिनों की मानसिकता में डूब मत जाना। दोस्तों हिम्मत के साथ बात कीजिए दुनिया से, दुनिया सुनने के लिए आतुर है, जिज्ञासा है विश्व को। जब मैं ये कहता हूं कि हमारे तीर्थ क्षेत्र पर हमला स्वीकार्य नहीं है तो दुनिया भी मेरे जैसे साथ देती है। दोस्तों हिरोशिमा की धरती जहां पर मानव संहार का भयानक घटना घटी थी, उस हिरोशिमा की धरती पर जब पूज्य बापू की प्रतिमा लगती है, शांति का विश्व को संदेश बड़े गर्व के साथ हम पहुंचा पाते हैं जी। मेरे लिए गर्व की बात होती है कि जापान के प्रधानमंत्री जब भारत आए थे तो मैंने बोधि वृक्ष का एक सैंपल उनको दिया था, और उन्होंने बड़े गर्व के साथ मुझे बताया कि मोदी जी, जब मैं भारत आया था, आपने मुझे जो बोधि वृक्ष का पौधा दिया था वो मैंने हिरोशिमा में, जहां ये बड़ा मानव संहार हुआ था, उस बोधि वृक्ष का पौधा वहां लगाया है, और करुणा का, भारत का संदेश आने वाली पीढ़ियों को मिलता रहे, इसके लिए मैंने ये सोचा हुआ है। देखिए कितना गर्व हो रहा है भाइयों बहनों, दुनिया की, हम भारत के लोग कभी कभी ये गौरव का जिक्र करना भूल जाते हैं। हम वो देश हैं जो दुनिया की सबसे पुरानी भाषा
मानव इतिहास की सबसे पुरानी भाषा तमिल भाषा ये हमारी अपनी भाषा है, हर हिंदुस्तानी की भाषा है, ये दुनिया की सबसे पुरानी भाषा होने का गर्व है। और जब मैं पीएनजी में वहां के गवर्नर जिनके पूर्वज भारतीय हैं, उन्होंने तमिल भाषा का महान ग्रंथ तिरुकुरुल का पीएनजी की भाषा में भाषांतर किया और उसका लोकार्पण करने का मुझे सौभाग्य मिला, आप कल्पना कर सकते हैं कि हिंदुस्तान की इस महान विरासत को आज दुनिया कैसे पूजने लगी है। दोस्तों, साथियों, ऑस्ट्रेलिया उसके संबंधों में बहुत उतार चढ़ाव के दिन देखे हैं देश ने, लेकिन वो देश आज भारत को अपना मानता है, भारत को सम्मान से देखता है और वो भारत के भविष्य के साथ अपना भविष्य जोड़ करके देखता है। ये अपने आप में हर भारतीय के लिए बड़े गर्व की बात है। और मैं देख रहा था कल जब मैंने देखा कि पूरे ओपेरा हाउस पर हिंदुस्तान के तिरंगे रंग की रोशनी करके उन्होंने भारत को सम्मानित करने का बहुत ही उम्दा प्रयास किया था, और भारतीय समुदाय का जो समारोह था, हिंदुस्तान के लोगों ने उसको देखा है, दुनिया ने देखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात लोकतंत्र की आत्मा क्या होती है, लोकतंत्र का सामर्थ्य क्या होता है। साथियों, आपको जानकर के खुशी होगी और मैंने अब तक जितना भी कुछ देखा पढ़ा, मुझे इस बात की तरफ ध्यान नहीं गया मेरा, और इसलिए मैं बताना चाहता हूं, भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी, लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स से, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स से, ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे। और भारत के एक प्रतिनिधि को, भारत के एक सेवक को, दोनों पक्ष उतना ही आदर और सत्कार कर रहे थे। साथियों, ये यश मोदी का नहीं है, हम कतई ऐसी गलती मत करें, ये यश हिंदुस्तान के पुरुषार्थ का है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के जज्बे का है। दोस्तों, साथियों, जब कोरोना कोविड के खिलाफ दुनिया लड़ रही थी, एक एक व्यक्ति को जिंदगी बचाने के लिए एक एक परिवार जूझ रहा था, संकट बड़ा गहरा था, रास्ता सिर्फ अंधेरे के सिवाय कुछ नजर नहीं आ रहा था, इस बीमारी से कौन बचाएगा, कैसे बचाएगा, कौन सी जड़ी बूटी काम आएगी, दुनिया उलझन में थी, हर कोई अपनी अपनी कोशिश कर रहे थे, विश्व के समृद्ध से समृद्ध देश भी कोविड के सामने घुटने टेक चुके थे। दोस्तों, उस पल को याद कीजिए, हमने भी अपने कई परिवारजनों को खोया है, उस दुख उस दर्द को हम भूल नहीं सकते हैं, लेकिन जब मैं पैसिफिक आइलैंड के इन देश के नागरिकों से मिला,
हर किसी की आंख में, वो चाहे ड्राइवर हो, होटल में काम करने वाला कोई व्यक्ति हो, चाहे सब समारोह के गेट पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, चाहे सिक्योरिटी में काम करने वाला जवान हो, हर किसी की आंख में जब हम उससे आंख मिलाते थे, वो भाषा तो नहीं जानता था लेकिन उसकी आंखों से वो बताता था और कभी कभी इशारा करके बताता था कि आपने वैक्सीन दिया ना, इसलिए हम जिंदा हैं। दुनिया के कोटि कोटि लोगों की जिंदगी भारत की दवाइयों ने, भारत की वैक्सीन ने, और वो भी 140 करोड़ देशवासियों को संभालते संभालते औरों को भी संभालने में हम पीछे नहीं रहे। अभी कुछ दिन पहले मुझे जयशंकर जी बता रहे थे, हमारे विदेश मंत्री, वे लैटिन अमेरिका के देशों में गए थे। उन्होंने कहा कि मेरा लैटिन अमेरिका के देशों का अनुभव बिल्कुल नया है। मेरे का क्या हुआ, बोले लोगों को कभी कुछ इंडिया नाम भी मालूम नहीं है, भारत मालूम भी नहीं है, ज्यादातर वो ऐसे दाढ़ी दिखाते हैं और कहते हैं, बोले हमको वैक्सीन मिला, हम बच गए। दुनिया में, और वो दुनिया कीजिए, जब हिंदुस्तान में मुझसे हिसाब मांगा जाता था कि मोदी तुमने दुनिया के लोगों को वैक्सीन देने की क्या जरूरत थी, ये बुद्ध की धरती है, ये गांधी की धरती है। ये दुश्मन की भी भलाई सोचने वाले हम लोग हैं, हम करुणा से प्रेरित लोग हैं, हम सद्भावना के लिए समर्पित लोग हैं। और इसी भाव को लेकर के विश्व में जहां भी बन पड़ता है हमने किया है। लेकिन साथियों, अब चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन चुनौतियों को चुनौती देना मेरे स्वभाव में है। और चुनौती दो है, कभी किसी देश को अपनी जड़ों को मजबूत करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, अपने गरीब से गरीब के लोगों को गरीबी से बाहर निकालना, उनकी आवश्यकताएं पूरी करना, ज्यादातर लोगों के जीवन में ये काम आता है। हमारे सामने दो काम एक साथ आए हैं, समय, लोग, दुनिया इंतजार करने को तैयार नहीं है दोस्तों। हमारे सामने विश्व की अपेक्षाओं के अनुरूप भारत को नए शिखर पर ले जाना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। विश्व की आशा आकांक्षाएं भारत से बढ़ रही है, विश्व की हर समस्या के समाधान में भारत कुछ रास्ता निकाले, भारत उस रास्ते पर हमारे साथ चले, भारत क्या सोच रहा है हमें बताएं, दुनिया के हर कोने से यही आवाज आ रही है। लेकिन साथ साथ 140 करोड़ का देश, मेरा दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गरीब हो, उनको भी इस समृद्धि के राह पर मुझे लेकर के जाना है। इसलिए पहली बार ऐसा हुआ है कि जड़ों की भी चिंता करनी है, शिखर की भी चिंता करनी है दोस्तों। लेकिन यह चुनौती भी 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य पर मुझे भरोसा है, हम करके रहेंगे, समय सीमा में करके रहेंगे और उसको हम पा करके रहेंगे। साथियों, मैं दुनिया में जब जाता हूं तो बातें तो
करते ही करते हैं, अनेक विषयों पर अपनी स्पष्ट बात रखते भी हैं, लेकिन मैं कभी भी भारत की बात पहुंचाने का मौका नहीं छोड़ता। इस बार मैं जिन देशों में गया, ज्यादातर उसका मूल सामर्थ्य आदिवासी समाज से है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे पैसिफिक आइलैंड के देश हो, और इसलिए इस बार मैं उनके लिए जो भेंट सौगात लेके गया था वो मेरे देश के आदिवासियों के सम्मान को लेकर के गया था। मेरे आदिवासी समाज में जिन कृतियों का निर्माण होता है मैं उसे ले गया था, और मैंने मेरे देश के आदिवासी समाज का सामर्थ्य और उन देशों के आदिवासी समाज का सामर्थ्य उसको जोड़ने के लिए एक सिंबॉलिक रूप में मैंने इसका भी ध्यान रखा था। दोस्तों, चीजें कभी कभी छोटी होती है लेकिन सामर्थ्य बहुत बड़ा होता है, उसकी ताकत बहुत बड़ी होती है। और मैंने ये बात तब देखी, शायद ये जानकर के आपके लिए भी नई खबर होगी, मैं जब पहली बार यूके गया था तो वहां की महारानी उस समय जीवित थी, अब तो वो नहीं रही। उन्होंने हमें भोजन पे बुलाया था, हम बहुत ही कम लोग थे, आमतौर पर प्रोटोकॉल में वो सामने बैठते हैं, हम इस तरफ बैठते हैं, लेकिन उन्होंने एक मां की तरह अपनी सीट छोड़ करके मेरे बगल में बैठ करके, देखिए तुम्हारे लिए मैंने ये वेजिटेरियन बनवाया है, ये तुम्हारे लिए ये वेजिटेरियन बनवाया, मां की तरह। बाद में जो हुआ वो मेरे लिए सबसे बड़ा आज भी प्रेरणा देता है। बाद में वो मुझे एक और कमरे में लेके गई महारानी जी, और उन्होंने मुझे उनको जो भेंट सौगातें मिली थी उसमें से कुछ चीजें दिखाई, उसमें मुझे एक छोटा सा उन्होंने हैंडकरचिप दिखाया, 4 इंच बाय 4 इंच का होगा छोटा सा, और धागे से हमारे यहां जो बनाते उस प्रकार का था। बड़े प्यार से उसको छू करके मुझे फिर मेरे हाथ में दिया, बोले आप भी देखिए इसको। मैं भी आश्चर्य था कि छोटा सा हैंडकरचिप इतने प्यार से इंग्लैंड की महारानी मुझे क्यों दिखा रही है। जब उन्होंने दिखाया तो मुझे कहा कि मोदी जी, मेरी जब शादी हुई थी, देखिए महारानी जी कह रही है, मोदी जी मेरी जब शादी हुई थी तब महात्मा गांधी ने मुझे दिया था। एक छोटा सा हैंडकरचीफ, हाथ से बुना हुआ हैंडकरचीफ, महारानी के मन पर इतने दशकों के बाद भी प्रभाव पैदा करता था। तब से मैंने समझा था कि मेरे देश की हर एक चीज की ताकत है, हर एक चीज का सामर्थ्य है, और इसलिए इस बार मैं आदिवासी समाज की जो कलाकृतियों की रचना है दुनिया के सामने लेके गया, और उन देशों को मैंने एक भेंट में दी, इस गर्व के साथ दी कि ये मेरा आदिवासी समाज है जिन्हें सदियों से महान परंपराओं को निभाया है। साथियों, आज विश्व की जैसे जैसे भारत का सम्मान बढ़ रहा है, भारत का सत्कार बढ़ रहा है, वैसे वैसे भारत से अपेक्षाएं बढ़ रही है। यह हम सबका काम है कि हम मिलजुल करके देश को इतनी तेजी से आगे बढ़ाए, इतनी तेजी से आगे बढ़ाए ताकि दुनिया की अपेक्षाओं को पूरा करने में हम कभी पीछे न रहे। मैं फिर एक बार इतने जल्दी जल्दी सुबह 3 बजे से यहां पहुंचना, इस प्रकार से स्वागत सम्मान करना, स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहां आना, दोस्तों ये प्यार मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। मैं फिर एक बार आपको हृदय से अभिनंदन करता हूं, और जयशंकर जी के पास तो बहुत सी अंदरूनी बातें होती है, आज समय अभाव में उन्होंने बहुत कम बताई, लेकिन कभी उनके साथ बैठोगे तो बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, क्योंकि दुनिया को
50 साल का उनका अनुभव है विदेश विभाग का, लेकिन इन दिनों एक नया रूप देख रहे हैं दुनिया का, और हम भी उस कंपैरिजन को देखते हैं जी। ये जो बदलाव है वो अपने आप में 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य है। जो सम्मान मुझे दुनिया में मिला है वो मोदी का नहीं है, नहीं मोदी का उस पर हक है। ये सम्मान शत प्रतिशत 100% 140 करोड़ देशवासियों का है, उनका अधिकार है, और मैं ये सम्मान उन्हीं को समर्पित करता हूं। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।